आज आपके लिए पेश है एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा कि 15-20 मिनट में आपके बालों में लगने के लिए मेहंदी रेडी हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि मेहंदी का रंग अच्छा चाहिए तो ओवरनाइट इसको भिगो के रखो, लेकिन बिलीव मी, मेरी मम्मी के इस नुस्खे से आपकी वो राय चेंज हो जाएगी। 15-20 मिनट में ही मेहंदी का रंग आपके बालों में इतना गहरा और अच्छा जमेगा, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। आइए देखते हैं कैसे बनाना है हमने ये मिश्रण। बालों का सफेद होना अक्सर हमारी चिंता का, परेशानी का कारण बन जाता है। समय के साथ होते हैं ग्रे, तो उसको एकदम अच्छे से लेना चाहिए। उम्र हो गई है, बालों का सफेद होना लाजमी है, इट्स ओके। लेकिन समय से पहले जब बाल सफेद हो जाते हैं तब क्या किया जाए? तब मोनिका के पिटारे से आपके लिए निकलेगी बड़ी सारी होम रेमेडी। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी मम्मी अपने बालों को डाई किस तरह से करती हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखती हैं। हेयर डाई की बात जब भी आती है तो हम परेशान हो जाते हैं पार्लर के खर्चे से और साथ ही साथ समय से, और उस पर भी जो बोरियत होती है वहाँ बैठ के घंटों घंटों, वो बहुत ही जानलेवा होती है, परेशानी का सबब बन जाती है। तो आइए, आज आपके लिए है एक खास होम रेमेडी। नमस्कार दोस्तों, और बहुत बहुत स्वागत है आपका कुदरत केयर में। मेरा नाम है मोनिका और आप मुझे देख रहे हैं कुदरत केयर। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाया करो ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। जब वीडियो पूरा देख लेते हैं तो लाइक का बटन प्रेस किया करो, क्योंकि लाइक मोटिवेट करता है अच्छे अच्छे नए नए वीडियोज बनाने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आखिर क्या है होम रेमेडी। इस पैक को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक खाली कड़ाही ले ली है। दोस्तों, कड़ाही अगर आपके पास लोहे की नहीं है तो आप नॉर्मल कड़ाही में बना सकते हैं या कांच के बर्तन में बना सकते हैं। स्टील का बर्तन ना लीजिए ये बनाने के लिए, बाकी आपकी मर्जी है, कांच के बर्तन में बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम पहली चीज इसमें मिलाएंगे इंडिगो पाउडर। इंडिगो पाउडर आपको पंसार की शॉप से, केमिस्ट की शॉप से या ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मैंने अमेजोन से लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। दूसरी चीज, मैंने जितना इंडिगो पाउडर लिया है उतना ही मिलाया है मेहंदी। तीसरा, हम इसमें मिलाएंगे कॉफी पाउडर और उसके बाद हम मिलाएंगे सफेद चीनी। आपको पता है ना, मेहंदी का रंग गाढ़ा करने के लिए हम नींबू और चीनी का घोल मिलाते हैं, लगाते हैं, है ना, जिससे कलर बहुत अच्छा और गहरा आता है। तो ये सारी चीजें हो गई हैं, थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेना है। जब हमने इसको मतलब पतला करना है, मिलाना है। अच्छा, पतला करने के लिए हम क्या मिलाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ, मिश्रण किस तरह से आपने बनाना है। पतला करने के लिए मैंने चाय पत्ती का पानी उबाल लिया है ना, इतना पानी लिया है जितने में ये मेहंदी मिक्स हो जाए, अंदाजन लिया है मैंने, ऐसा कुछ गुणा भाग ना करें। अब मैंने 2 चम्मच चाय पत्ती के इसमें उबाल लिए हैं, अब हम इसको छान लेंगे। ये जो चाय पत्ती है इसको आप फेंकिएगा नहीं, इसको वॉश कर लीजिए अच्छे से, छान लीजिए और प्लांट्स में डालिए, बहुत लाभकारी होती है दोस्तों ये। अब ये मेहंदी बनाने के लिए पानी रेडी हो गया है, मिक्स करना है आपने और साथ साथ में घोलते जाना है। पानी अंदाजन डालिए दोस्तों, ज्यादा पानी ना डालें, नहीं तो मेहंदी बहुत पतली या गाढ़ी हो जाती है। अच्छे से घोलिए ताकि इसमें गोलियां सी ना बन जाए, गुठलियां बन जाती हैं मेहंदी की। अब मैं इसको घोल लेती हूँ पहले अच्छे से। ये देखिए, ये मैंने मेहंदी इस तरह से ये घोल ली है। आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको छोड़ देंगे, इस तरह से ऊपर थोड़ा सा पानी डालना है आपने, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे और लगाते लगाते हम देखेंगे किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो ये देखिए, 15 मिनट के बाद ये कलर चेंज हो गया है, अब हम इसको लगाएंगे और देखेंगे। बालों को अच्छे से पहले वॉश कर लेना है
और आपके बालों में मेक श्योर होना चाहिए कि भाई ऑयल नहीं होना चाहिए। अभी ये देखो, ये बालों में तेल नहीं है, बालों को शैम्पू किया है जैसे कल किया है, अभी तेल नहीं लगाया है, अब हम इस बालों में ये मिश्रण जो है हमारा रेडी हो गया है, ये हम लगाएंगे। मोटा पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितने की आपको आवश्यकता है आप वैसा कीजिए। अब ये कलर आप देख रहे हैं काला काला होना शुरू हो गया है, तो ये लोहे का रंग जो है वो पूरा चढ़ जाता है इस पे, ये देखो। लगाने के लिए आपने मांग में से लगाना शुरू करना है, आपको जहां लगता है कि बाल ज्यादा सफेद हैं वहां आप ज्यादा लगाएं। कवर करना है सिर्फ बालों को, तो जस्ट ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने इंडिगो पाउडर मिलाया है तो आपके बालों को लाल लाल कलर नहीं देगा, ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत थोड़ा गहरा रंग देता है ये। अभी इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि इंडिगो पाउडर के लिए अपने बालों को किस तरह से तैयार करना चाहिए, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। अब मैं फटाफट से पहले ये लगा लेती हूँ। आप चाहें तो जो जूड़ा बना के जैसे लगाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो आप नॉर्मल जो तरीका है वैसे भी लगा सकते हैं, ब्रश का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब ये देखिए, ये इस तरह से ये पूरे बालों को कवर कर लिया गया है। अच्छे से आपने भी ऐसे लगा लेना है और इसको कम से कम 2 घंटे के लिए आप ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से, शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल पानी से आपने हेयर वॉश करना है। इसके बाद का अगला सीरीज जो वीडियो बन रहा है इस सीरीज का, वो है इंडिगो पाउडर का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इंडिगो पाउडर के लिए, बालों को प्रिपेयर करने के लिए, आपने अपने बालों में तेल नहीं होना चाहिए। अब हमने जो मेहंदी का इस्तेमाल किया है इसमें किसी तरह का ऑयली कुछ भी नहीं है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ पानी से हेयर वॉश करवाऊंगी मम्मी के, और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो का मेथड भी पसंद आया होगा। मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लेके आती रहूंगी, आप बस अपना प्यार मुझ पे ऐसे ही लुटाते रहिए। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हेल्दी रहिए दोस्तों। बाय बाय।